చూశారు కదా రావణుణ్ణి పది తలలే కాదు పది జ్ఞానులు ఉన్నవాడు రావణుడు అంటే శక్తిశాలి వాయి తర్వాత సంగీతానికైనా కానీ డిసిషన్ మేకింగ్లో అయినా కానీ రావణునికి మించి ఎవరూ లేరు మరి రావణుడిని అడిగి తెలుసుకుందాం పది తలలతో మనకు దర్శనమిస్తుండ్రు హాయ్ సార్ అప్కా నా హరీష్ మిశ్ర హరీష్ మిశ్రా కైస లాగ సార్ మొత్తం ప్రొఫెసరు मैं अनुदेशक हूँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नाट्य अनुसंधान केंद्र में मैं एक अनुदेशक के रूप में हूँ जो प्रशिक्षण देता हूँ बच्चों को आ, नाटक का अभिनय का विशेष okay, तो काम मेरा अभिनय का है अभिनय का ओके अंत डांस अनुवाद मन अंत मन ट्रांसलेशन मन वाल अर्थम चुप्तारो सर सर वर्क अद सर आप बताइए दशकंठ का मीनिंग दस यानी दस सिर जो रावण माया से जो है अपने दस सर दिखाता है और विशेष रूप से रावण जो है जब युद्ध के लिए जाता है श्री राम के समीक्ष समक्ष उस समय वो जो है अपना रूप उनको दिखाता है तो वैसी एक कल्पना यहाँ भी की है जो वैतालिक हैं जो धनुष यज्ञ में आए हुए हैं और वे जब रावण को जो है उकसाते हैं कि तुम किस काम के हो जबकि रावण तीनों लोगों का राजा है और वो खुद रावण अहम और अपने स्वाभिमान से भरा हुआ है तो वो कहता है कि मैं मेरा जो निज रूप है मेरा जो अपना रूप है दस सरों वाला रूप है दस कंठ जो मेरे हैं वो मैं बताता हूँ इसको तो वो अपने दस सर इसमें बताता है ओके सर सर रावण जी का बहुत पावरफुल है बहुत ज्ञानी भी है वीना प्ले भी है उसको प्ले करते समय बहुत शक्ति चाहिए Uh, कैसा लगा पूरा ड्रामा इतना पूरा एक्टिंग पूरे याद रखने का वो भी संस्कृत में और प्रेजेंट भी करने का वो कितना डिफिकल्ट होता है कठिन तो है सर कठिन तो है लेकिन बहुत मेहनत परिश्रम और अभ्यास करना पड़ता है और चूंकि मैंने पहले भी ए, एक कैरेक्टर बाणासुर का मैंने किया और रावण का भी मैंने किया अशोक बाटिका करके एक नाटक है उसमें मैंने किया है तो रावण का मैं पहले कर चुका हूँ लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि ये पूरा संस्कृत में था और संस्कृत में संवाद याद करना और फिर उनको भाव में उतारना ये थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है कठिन होता है लेकिन असंभव कुछ नहीं है संस्कृत भाषा हमारे रगों में हमारे रक्त में समाहित है और संस्कृत भाषा से हमारी पहचान है हमारा अस्तित्व है तो हमें उसको पूरे देश में प्रचारित करना चाहिए और वो कार्य हम कर रहे हैं तो इसके लिए कितना ही कठिन परिश्रम हमें करना पड़े हम संस्कृत के लिए काम करेंगे ओके सर रावण जी का कुछ डायलॉग आप, आपका हंसी हाँ ये प्रेजेंट करिए सर। हाँ मुझे बहुत से डायलॉग मुझे इसमें हर डायलॉग बहुत अच्छा लगा रावण का हाँ। और बहुत मज़ा आया मुझे करने में okay. चैलेंजिंग तो था लेकिन करने में बहुत आनंद आया मुझे एक डायलॉग इसमें बहुत अच्छा आता है कि हाँ कि जब वो हंसता है ज़ोर से उदंड चंडीमल सद्भुज दंड चंडला चलाचल हरा चल चारुकीर्त की है सस्तुलित बाल मृणाल कांडा कौदंड कर शनक दर्शन या नया में <laughs> तो ना, आप यस तो यस तो यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच జైతు సంస్కృతం జైతు భారతం జైతు సంస్కృతం చూసారు కదా సంస్కృతంలో రావణుడు డైలాగ్ చెప్తుంటే ఒక్కొక్క ఇంటికి అనేది నిలబడి నిక్కుచిగా నిలబడి లేస్తుంది ఆ సౌండ్తోనే మనకు రావణుడు వస్తుండు రావణుడు నవ్వు అని అనిపిస్తుంది రావణుని డైలాగ్ ఒక్కటి వింటుంటే నాకు దగ్గర నుండి విన్నా కదా ఇంకా చెవులో ఇట్లనే వినిపిస్తూనే ఉంది ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ప్లే అండ్ సంస్కృతంలో పే చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఇంకొక టీం దగ్గరికి వెళ్దాం ఇంకో టీం ఎలా చెప్తారు ఏ విధంగా చెప్తారు వాళ్ళు ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారు రామ్లీలాను సబ్స్క్రైబ్